अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह पाक के फजल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज था जी मक्का मुकरमा में हमारा आखिरी दिन, और वो भी शिफ्ट होके रात में बदल गया है। और सुबह 6 बजे की हमारी फ्लाइट है। आज रात को जल्दी से हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। उसके अलावा जी मस्जिदुल हराम हम पहले ही होके आ गए थे, उसका ये छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ। बस यार इन दिनों ज्यादा व्लॉग नहीं बना पाया, आपको रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि आपको एक पता है, रमजान था, फिर मक्का मुकरमा में थे, जाते थे, होटल हमारा काफी दूर था मस्जिद से, जिसकी वजह से दिन में हमारा एक ही चक्कर लग पाता था। फिर जो बाकी टाइम हमारे पास बचता था उसमें हम खेलते थे जी पबजी। अरी भाई ने फिर से जी हमें आदत लगा दी थी पबजी की। मस्जिद से जिस वक्त इबादत करके रोजे इफ्तार कर लेते थे, फिर रात तक ये हम खेलते रहते थे। इसकी वजह से हमारा सर काफी दर्द करता रहा है, और अभी बस व्लॉग बनाने का दिल नहीं है। लेकिन आज लास्ट डे है हमारा मक्का मुकरमा में। होटल से चेकआउट भी करना है ना, और पाकिस्तान भी दोबारा जा रहे हैं। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ 20 दिन के बाद पाकिस्तान जाने के लिए। 18-20 दिन तो होने ही वाले हैं। और उसके अलावा जी गैलरी देख लें, मैंने अपना होटल भी सही से आपको नहीं दिखाया। अभी जी मैं आपसे मिलता हूँ जो बिल्कुल रेडी होके, जो लिबास पहन के हमने पाकिस्तान में जाना है, कि पता चले कि उमरा करके आ रहे हैं। मिलते हैं जी तैयार श्यार होके। तैयार हो गए हैं, बस सामान काफी ज्यादा है, ये आप सामान देख लें। एयरपोर्ट में जाके मिलते हैं, भाइयों ने भी यही लिबास पहना हुआ है, एयरपोर्ट में दिखाते हैं आपको। सेफली जद्दा के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और सामान देखो जी हमारा कितना ज्यादा है। एक ट्रॉली, दो और तीन तीन ट्रॉलियों पे हमारा सामान पूरा आया है, इसलिए ज्यादा व्लॉग नहीं बना पाया। बाकी अंदर जाते हैं और आपको दूसरे भाइयों का भी लिबास दिखाते हैं। ये जमसम वाटर भी हमारे आ गए हैं, इधर से जमसम की बोतलें मिलती हैं, और ये हमने लिए हैं जी तबरुक टाइप जमसम वाटर। बस बिस्मिल्लाह। जो भी उम्रे पे आते हैं ना, अपने रिश्तेदारों को थोड़ा थोड़ा जमसम का पानी देता है ना, आपको पता होगा जो आते हैं उम्रा करने के लिए, बाकी इसको नहीं पता। फ़्लाइट हमारी सुबह 6 बजे की है, और अभी टाइम हो रहा है जी 4 बजने वाले हैं। सैरी हमें रास्ते में ही करनी होगी, फिर आगे रोज़ा बंद हो जाएगा। रोज़ा जी हमारा एयरपोर्ट पे ही बंद हो रहा है। वाबे सोमे खादिन नवैतो मिन शहर रमज़ान। बाकी अभी नमाज के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट पे होगी तो सही। नमाज पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह तब तक हमारा जहाज़ का गेट भी खुल जाएगा। थोड़ा सा जो टाइम रहता है उसमें हम फजर की नमाज अदा कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज अदा कर लिया है, बस अब जहाज में इंटर होने लगे हैं। अदर भाई बहरीन उतरे थे यहाँ पे, बस हमारा 50 मिनट का स्टे था। स्टे नहीं था, बस यही था कि एक गेट से निकल के दूसरे गेट में इंटर होना है। बाकी अब इंशाल्लाह ताला बहरीन से डायरेक्ट मुल्तान की फ्लाइट है हमारी। 3 घंटे में इंशाल्लाह ताला हम मुल्तान में होंगे। अल्लाह पाक हमें खैर से ले जाए, मिलते हैं बाद में। सेफली पहुंच चुके हैं, अब मेरे से और व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है, बस अब घर जाके मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच चुके हैं, और अरीब ये पकड़ना यार, इनको पहले दिखाना है कि कितनी चीजें मैंने पहनी हुई हैं इस वक्त। मेरी तो देखो यार, एक दो दो, ये दो हैं, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ये 10 10, और ये 3 4, ये 5 15 चीजें पहनी हुई हैं भाई। तभी एयरपोर्ट पे वीडियो नहीं बना पाए, चीजें देख रहे हो, वतन की अलहदा, अरीब की अलहदा, फिर बाबा और अम्मी जान की अलहदा। बस अल्हम्दुलिल्लाह सेफली मुल्तान पहुंच चुके हैं अपने घर, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। बाकी जी आपको अपना घर दिखाते हैं, जो हमारे पीछे हमारे कजन्स वगैरह ने सजा के रखा हुआ है।
सो बस यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।